What is up guys, welcome back to my channel. Happy for now, hope you're doing absolutely fine. तो हेलो कैसे हो? So भाई अगर आ चुके फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ मैं वापस. आज का गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज किस वाली गेम प्ले पे बहुत सारे क्लचेस आप लोगों को देखने को मिलेगा. ऊपर से गाइस 18 से भी ज़्यादा किल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा. एंड हाँ, चिकन डिनर भी देखने को मिलेगा. और हाँ, AWM के हेडशॉट्स भी देखने को मिलेंगे, है ना. तो भैया जी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि गेम प्ले बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है. और फिलहाल तो इसमें उतर चुका था स्टेडियम पे. उतरते गए देखो यहाँ पे 45 मिलता है और यहाँ पर मेरे को पुछू गन मिल जाता है, लेकिन इनसे भाई मैं रस नहीं बोल सकता, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर फाइनली मिल जाता है M416. अब जैसे मेरे को यहाँ पर M416 मिलता है ना, तभी मैं सोचता हूँ चलो यार बंदों पर रस बोलते हैं. तभी मेरे को ये भाई साहब दिख जाता है जिसको मैं मारते ही फुल फिनिश कर देता हूँ. अब इसको मैं फुल फिनिश तो कर देता हूँ, लेकिन इसका जो टीममेट है ना वो भी जिंदा है और इसी स्टेडियम पे कहीं पर छुपा पड़ा हुआ होगा, है ना, जिसको मुझे खोजना होगा एंड पेटी बनाना होगा. तो इसीलिए मैं सीधे इधर की तरफ आता हूँ. तभी देखना इस वाले घर से तो मेरे को फुटस्टेप नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ से यहाँ से फुटस्टेप आ रहा था. और इसका मैं पेटी बहुत ही प्यार से बना देता हूँ. अब इसका पेटी बना देता हूँ, उसके बाद गाइस मैं सोचता हूँ चलो थोड़े से लूटा लाड़ी करते हैं और देखते हैं स्टेडियम पे कोई बंदा होगा कि नहीं, है ना. तो इसलिए मैं यहाँ पर बंदे को ही खोज रही थी कि भाई स्टेडियम पे बंदे मिल जाए मेरे को. लेकिन गाइस स्टेडियम पे मेरे को कोई भी बंदा दिखता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ चलो अपन स्टेडियम से निकल जाते हैं, उसके बाद बंदे उठे लाएंगे, है ना. उसके बाद गाइस मैं स्टेडियम से निकल के इधर की तरफ आता हूँ ना, तभी यहाँ पर मेरे को सैक पे एक भाई साहब दिखता है. मतलब ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन इसको जैसे मैं निपटाता हूँ ना, उसके बाद जैसे मैं इसको फुल फिनिश करता हूँ, तो भाई आप लोगों को फुटस्टेप तो सुनाई दिया होगा. यहाँ पर गाइस इस वाले घर के अंदर एक बंदा है. यहाँ पर मैं नेट कर रहा था लेकिन बंदा नीचे कूद चुका था, तो यहाँ पर मैंने नेट फेंक दिया, लेकिन बंदा देखना, बंदा सोच रहा था कि उधर से मेरे को फ्लैंक मार देगा. लेकिन गाइस इसका पेटी मैं बहुत ही प्यार से बना देता हूँ. अब इसका पेटी बना देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा लूटा लड़ी करता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ चलो यार यहाँ से निकल जाते हैं. अब जैसे मैं यहाँ से निकलने वाला होता हूँ, तभी पीछे मेरे को एक बंदा दिखता है. और ये वाला एनिमी भी ना गाइज इसी का ही टीममेट होता है, ठीक है. तो पेटी बना देता हूँ बहुत ही प्यार से, लेकिन इनका भी शायद अभी भी दो टीममेट्स जिंदा है, पता नहीं वो कहाँ पर होंगे, है ना, आई डोंट नो. तो इसलिए मैं सीधा जीबी पड़ के इधर की तरफ आ जाता हूँ. और जैसे मैं इधर की तरफ आता हूँ ना, तभी सामने की तरफ से मेरे को कुछ फायरिंग का आवाज़ वगैरह आता है. और वो देखो गाइस उस वाले घर के सामने से मेरे को फायरिंग का आवाज़ आ रहा था, और उधर की तरफ रेड जोन भी था, तो मेरे को डर भी लग रहा था. तो इसलिए मैं सीधे इधर की तरफ आ जाता हूँ. ये देखो गाइस बंदा छत के ऊपर, तो मैंने सोचा कि चलो एक नेड करते हैं, क्या पता नेड से कुछ काम बन जाए. और देखना यहाँ पर मैं नेड फेंकूँगा, नेड से कुछ होता नहीं है, तो मैंने सीधा रस बोल दिया. और फाइनली इसका पेटी बना देता हूँ. लेकिन गाइस ये एनिमी ना वो वाला एनिमी नहीं है जिसको मैं खोज रहा था, क्योंकि इतने देर से ना एक बंदा ना M24 चला रहा था. अब वो वाला एनिमी पता नहीं कहाँ पर है. तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, जैसे मैंने बोला, मतलब बोला नहीं है, मैंने यहाँ पर डबल M416 ले लिया. तभी दूर पर मेरे को कुछ बॉट्स वगैरह दिख चुके थे जिनको मैं निपटा था, तभी एक बंदा भी दिख जाता है. और इसको जैसे मैं निपटाता हूँ ना, मैं तुरंत रस बोल देता हूँ, क्योंकि गाइस उनके टीममेट्स भी हो सकते हैं. और बंदा नॉक हुआ था तो ऑब्वियस ही बात है उसका टीममेट उसको रिवाइव कर देगा. इससे पहले गाइस कि वो रिवाइव खेल ले, मैं सीधा जाता हूँ उस पर रस बोलने के लिए, ठीक है. और देखना जैसे मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ ना, तो जिस वाले बंदे को मैंने नॉक किया था उसका ड्रेस तो मेरे को एग्जैक्टली पता है, ब्लैक कलर का कुछ था. और इन दोनों को जैसे मैंने मारा, ये दोनों नॉक बंदे को, तो इनमें से गाइस वो वाला बंदा नहीं था गाइस, क्योंकि उसका कलर जो था वो ब्लैक था और उसका किल भी मेरे को अभी उनको अभी तक नहीं मिला, ठीक है. तो पता नहीं गाइस वो लोग कहाँ भाग गए और रिवाइव हो चुके होंगे, आई डोंट नो. तो उसका किल तो मेरे को नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, लास्ट में देख लेंगे उसको, कहीं तो छुपा होगा ना. तो उसके बाद मैं इधर की तरफ आता हूँ, जो M24 वाला बंदा बोला था ना वो यहाँ पर होता है. और
फाइनली इसको निपटा देता हूँ और फाइनली अब इसका M24 मेरे को मिल जाएगा। ये देखो गाइस, आज किस वाले गेम प्ले पे ना भाई फुल तबाही होने वाला है, क्योंकि यार M24 भी अपन को मिल गया और आगे चल के देखना मेरे को AWM मिलेगा है ना। और गाइस जैसे मैंने यहाँ पर लूटा लड़ी किया ना, तभी मैंने देखा सामने तरफ से एक जीप आया और भाई साहब वहाँ पर बंदे हैं, लड़ भी रहे हैं। चलो गाइस और फाइनली इन दोनों बंदों को निपटा देता हूँ। और इसको जैसे मैंने निपटाया ना, तभी कैसे देखना इसका टीममेट भी होता है। तो यहाँ पर मैं छुप जाता हूँ, ठीक है। छुपने के बाद गाइस यहाँ पर मैं एक्चुअली छुपने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पर हीलिंग करने के लिए आया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी लेता हूँ, उसके बाद मैं नीचे की तरफ जैसे जाऊँगा ना, देखना उसको लूटने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर लूटा, देखा बता देता लिटरली मैं गाइस यहाँ पर क्या ही बचा, मैं देखो 0 HP पे बचा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उस वाले बंदे को नॉक तो कर दिया था और यहाँ पर मैंने हीलिंग भी कर लिया, ठीक है। और मैं मतलब लेट नहीं करना चाहता, तो इसीलिए गाइस सीधा रस बोल दिया, क्योंकि वो लोग अभी लो डैमेज पे होंगे। और जैसे मैं पहुँचता हूँ तो देखते हो दोनों ही रिवाइव हो चुके हैं, लेकिन चलो एक बंदे को मैंने निपटा दिया। अब इसका बारी है, तो इसका भी पेटी बनाएंगे, तो बस देखते रहो। और इसका भी पेटी बहुत ही प्यार से बना देता हूँ, तो इसी बात पे एक लाइक तो मैं बनता है, तब कभी चाहिए और वीडियो को लाइक मार दो। बाकी इन दोनों बंदों को निपटा देता हूँ, निपटाने के बाद किसी अपने थोड़े से लूटा लड़ी कर लेता हूँ, उसके बाद किसी मैं सीधा जीप पड़ यहाँ से निकलने वाला होता, ठीक है, एकदम सीधा निकल रहा होता, ठीक है। और रास्ते में मेरे को एक क्रेट दिखता है, ये देखो गाइस, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम था कि ये क्रेट किसका है, बॉट का या फिर किसका है, फिर भी मैंने एक बार चेकआउट किया और देखो क्या मिला, मेरे को AWM मिला लिटरली में गाइस। मतलब मैं यहाँ से निकल ही जाता यार, लेकिन मैंने फिर भी सोचा नहीं यार एक बार चेकआउट तो करना चाहिए किसका क्रेट है ये, है ना। और देखो चेकआउट किया और फाइनली मेरे को यहाँ पर AWM मिल गया। अब क्या ही बोलूँ यार, इसको ही बोलते हैं लक यार, है ना। बाकी उसके बाद मैं सीधा मिराडो पकड़ता हूँ, उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर पहुँचता हूँ और यहाँ पर जोन भी था, तो मैंने सोचा कि चलो यार एकदम ओपर में जाते टॉप में, वहाँ से गए स्नाइपिंग खेलेंगे। और मैं जैसे निकल टॉप पर जा रहा था, तभी मेरे पे तगड़ा वाला फायर होता है। जिस वाले बंदे ने मेरे पे तगड़ा वाला फायर किया ना, अब उसका खोपड़ी मैं फोड़ने वाला हूँ, बस देखते रहना। यहाँ पर तगड़ा AWM के शॉट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैं स्पॉट नहीं कर पाया था, फाइनली स्पॉट कर लिया और एक मतलब बॉडी शॉट चिपका दिया, हेडशॉट लगना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, उसके टीममेट को मैंने हेडशॉट चिपका दिया। अब उसके टीममेट को मैंने हेडशॉट चिपका तो दिया, अब उसको फुल फिनिश भी करना बाकी है। और जैसे मैं फुल फिनिश करने जाता हूँ, तो देखता हूँ वो वाला बंदा पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, वो दोनों बंदे रिवाइव तो हो जाएंगे लेकिन मेरे हाथ से कैसे बच जाएंगे, क्योंकि उनका मौत मेरे हाथ में ही लिखा है, तो बस देखते रहना। अब देखो सामने तरफ एक ड्रॉप भी गिरा और तभी मैंने देखा कि वो लोग ना स्मोक वगैरह भी कर चुके थे, और उन लोगों का ना उधर से ना यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि उधर को जोन नहीं था, तो इसका फ़ायदा तो मैं ज़रूर उठाऊँगा। जैसे एक बंदा गाइस पेड़ से मेरे को चुपके से देख रहा था, अब उसका हेडशॉट बजाऊंगा, देखना देखा कैसा हेडशॉट दिया, इसी बात पे लाइक बनता है। तभी ये भागता हुआ आ रहा था, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट उसको लिट तो कर दिया, सिर्फ एक गोली का मेहमान है गाइस, एक गोली अगर AWM का लग जाए मेरे से पहले भैया जी किसी और नहीं मार दिया, लेकिन उसका किल अपुन लेंगे, उसका किल अपुन ने ले लिया। बाकी है ये वाला बंदा और चिकन डिनर अपने नाम कर लिया।